ये देखे लो, ये तो पेट स्टार्ट हो गया, डीजल ला के चुस्की लगा ले, चुस्की आ गया यार, जैसे बजा धोते हो जाते क्या यार, इनको समझाओ, इनको बोलो स्टार्ट करें यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है जनाब? सारे उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से फिट फाट होंगे जनाब। जो अल्लाह पाक का हुक्म होता है वो होता है, खुशी और गम इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होता है। जिस तरह जिस हाल में अल्लाह पाक रखे, इंसान को खुश रहना चाहिए। बाकी हमारी दुआ जनाब, आप हमेशा खुश रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें, कलियों की तरह खिलते रहें जनाब, हंस हंस के एक दूसरे को मिलते रहें जनाब। तो करते हैं जनाब आए के ब्लॉग का स्टार्ट। ये देखें काका मेरे साथ आ गई है, देखें ये काका स्कूल नहीं गया, इसको बुखार हो गया था ना, डेरे पे काका आ गया, इसके आज गोया थपाते हैं जनाब, जो गोया था ना इसको बोलते हैं सारा गोया थाप दे मालक। ये देखे बड़ा बड़ा रूड़ा लगा पीछे, काकियों के कहते सारा ही थाप दे जनाब। ये देखे इधर अमीन भाई और जनाब इरफान भाई, पीटर कितनी पा चुके हैं जनाब, पीटर इनसे स्टार्ट नहीं हो रहा, मैं बुढ़ा बंदा, मैंने गड़ा वाला पीटर उठ जड़ा जनाब। ये देखे लो, ये तो पीटर स्टार्ट हो गया, डीजल ला के चुस्की लगा ले, चुस्की आ गया यार, जैसे बजा धोते हो जाते क्या यार, इनको समझाओ, इनको बोलो स्टार्ट करें यार। इनका जो बोलती बंद कर दिया, पीटर स्टार्ट नहीं हो रहा, क्या बात है इरफान भाई साहब, वाह वाह वाह, उसकी ठोका जनाब भी गेड़ा मार दे, बिस्मिल्लाह पढ़ के बढ़ाता है बुढ़ा बंदा, गेड़ा मारेगा यार, चलो स्टार्ट करो अभी दोस्तों, ये चेक करो जरा, ये गेड़ा मारने वाले हैं, ये तो गबोट का पीटोरो, शाबाश वाह भाई वाह, काम हो गया, चुस्की लगाई है पीटे पी गया, इसको प्यास लगी हुई थी यार। दोस्तों गाय जनाब सारी अंदर कर दी हैं, और ये देखे माशाल्लाह से पंखे चल रहे हैं फ्री, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है जनाब, यार धूप चगी निकल आई है जनाब, और ये सारी ऐसे जनाब थले खड़ी हुए जैसे बेलन के प्यो ने देना यार, क्या अल्लाह पाक इनको सेहत बीमार हो गया, हमारा दिल बड़ा परेशान हो गया, बाकी पहले से बेहतर है जनाब, वहाँ की दरख्वास्त है आपसे, और मिस्त्री लगा दिया जनाब बाहर कुर्सी पे, वो खुरली पे जनाब, वो आपको चेक कराते हैं, वो क्या कर रहे हैं जनाब सारे भाई, वो खुरली में पत्थर लगा रहे हैं ना, वो नीचे से रेत आ जाती थी माल के जो है ना पट्ठों में रल जाती थी, तो वो जो मसला ख़राब हो गया है, तो आज जितनी लेबर है उधर मकानों वाली वो भी इधर लगा दिया है, दो मिस्त्री या त्रै चार मजदूर आ गया है, वो सारे ना खुरली में पत्थर लगा ताकि शाम को उधर पट्ठे ठोक सके जनाब, वो मैं आपको चेक कराता हूँ जनाब। ये जनाब चीमा साहब भी आ जाए हुए, बड़े अरसे के बाद इनसे मुलाकात हुए, ने जाना किधर खोप गए थे जनाब, किधर गए थे चीमा साहब आप जनाब हमें छोड़ कर? अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शुक्रिया जनाब शुक्रिया, जी हाँ जी हाँ, अल्लाह खैर करे अल्लाह खैर करे। ये देखिए इधर मिस्त्री साहिबान जनाब कहानी बना रहे हैं, भाई शाह साहब जनाब सिर पर पकड़ा वाड़ के पहुँच चुके हैं जनाब, इधर मामा अब्दुल भी जनाब आए हुए हैं, एक मिस्त्री और है वो उधर गया बेलचा कुवाड़ी लेने अकरम, और ये खुरली आपको चेक कराते हैं जनाब, ये बहुत माशाल्लाह रेत का प्रॉब्लम जो है ना हल हो जाएगा। ये देखिए जनाब ये खुरली है जनाब, ये 60 फुट लंबी है, और यार इसमें जो रेत का बड़ा मसला आ रहा था, अभी इंशाल्लाह इसमें जो कचरा पत्थर पड़ा हुआ उधर काफ़ी मकानों का बचा हुआ है वो लगा देंगे, अगर थोड़ा काम होगा दूसरा भी लगा देंगे, लेकिन ये कि पत्थर लाग जाएगा फिर इजी काम हो जाएगा, सारा सफाई वगैरह खुल गया, अब ये रोज़ नीचे से रेत ऊपर उठ जाती है जनाब, माल के अंदर जाती है, बड़ा मसला बन जाता है। ये जनाब चीमा साहब ने बोरी को जहाँ मुद्दा कर रहे हैं जनाब, और इसको फिर सीधा करके ऊपर डाल देंगे जनाब, तो आप इनके लिए चाय लेके आते हैं, अपना टुक्कर पानी है वो भी अभी करना है वो करके आते हैं जनाब, उसके बाद इनकी चाय थरमास में भरा के लेके आते हैं जनाब। तो खुरली इंशाल्लाह उम्मीद है शाम तक इनको बोला है जनाब तैयार कर दें, देखें अब तैयार होती है कि नहीं, तो ये जो बच्ची बछड़ा है थोड़े बीमार हो गए हैं, इनको इधर जो है ना चारा डाला हुआ है ताकि ये अलहदा हों और खाना खा सके इजीली, दूसरे बच्चे इनको फिर तंग करते हैं, ये जो बच्चा है इसको बड़े जख्म हो चुके हैं, अल्लाह पाक से दुआ है इनको ठीक फरमा देना। बाकी इरफान भाई और वो मेन भाई ना वे पट्टे कुतर हैं जनाब, ये देखें इनको अभी मुड़का निकल गया जनाब, सवेरे सवेरे फाड़ में देखो देखा दोनों ठोक रहे जनाब, इसको साथ दखल लगाए जा रहे हैं, देखें क्या सा दखल है ऐसा, मुड़ के इनके निकल गया जनाब, देखे पसीना पसीना गर्मी पड़ी है ना यार। तो दोस्तों ये देखिए जनाब ये लेवल निकाल रहे हैं जनाब, तो माली लगा रहे हैं जनाब, इसको
क्या कहते हैं साइड पे जो लगाते हैं तमाली आने तमाड़ी आने की है ना तमाली तमाली ला रहे फिर उन्हें तमाल पाने काम सीधा हो जाता अल्लाह का तमाल असा को नहीं पानी जो शोर लगे तमाल पाना गुनाह है अल्लाह रसूल का नाम लैन लेना चाहिए। बाकी जनाब ये लेवल शेवल काट रहे हैं तो बड़ी तेज है मिस्त्री ने सिर सेक रहे हैं जनाब आए वाह वाह गर्मी जी बन गई है प्यारे चोन गर्मी चोन जनाब बहुत गर्मी जनाब एक साइड मिस्त्री लगे हुए ने एक साइड जनाब है लगे हुए दुआ पास है मिस्त्री पिट जाओ मिस्त्री का मुकाबला कड़ा वद्दा जनाब जनाब माए और लंबड़दार जनाब स्टेशन जा रहे हैं स्टेशन स्कूटर हमने स्टार्ट कर लिया देखें लंबड़दार साहब ने पीछे पाशा बना लिया देखें क्या बात लंबड़दार भाई बंदा बड़ा ग्रेट है आता थोड़ा जा लेट है स्टेशन पे काम पड़ गया यार उधर जा रहे हैं अल्लाह खैर करे फिर सफ़र शुरू करते हैं स्टेशन बड़ी नेड़े है भाई से तीन चार मिनट लग जाने तो भाइयों हम जनाब स्टेशन पहुंच चुके हैं तो ये हैं मेरे बड़े प्यारे भाई जनाब इश्फाक भाई हैं इनसे हम हर किस्म का स्प्रे लेते हैं चेनी वाला स्टेशन पे यहाँ अपना हाथ ले जनाब हमारे साथियों को जनाब और ये देखें माशाल्लाह हर तरह का स्प्रे पड़ा हुआ है अभी हम जनाब घास मारने वाला स्प्रे इनसे ले आए हैं जनाब उधर कोठी में आपने देखा है वो घास कितना बड़ा हो गया जनाब स्प्रे मारना यार गलना घर क्यों लोड़ो यार बड़े अच्छे बंदे ने दोस्तों उधर से हमने स्प्रे ले लिया गाय की रत्ती चिट्टी फटकड़ी की वो भी ले लिया आपने स्कूटर अंदर पाड़ दिया इसको जनाब ना ट्यूनिंग कर रहे हैं जनाब क्योंकि इसकी जो पिछली लाइट है वो भी बड़े खड़क रही थी रवा रपा पा रही थी वो भी चेक कराते हैं इसका टापट जो है उससे भी तेल निकाल रहा था और जनाब एक तो और भी इसको लुकस हुए हल्का हल्का बुखार भी है इसको वो चेक करा रहे हैं जनाब भी चला गए ट्यूनिंग श्यूनिंग करते हैं इंशाल्लाह गड्डी नवी हो जाएगी इसको फिर लेकर निकल जाए जनाब अल्लाह खैर करे तो फिर थोड़ा सा काम और कराते हैं बैठते इंतजार करते हैं ये जनाब इधर शहजाद भाई की दुकान पर आए हुए हैं जनाब इनसे कुछ सामान लिया ये पैप शैप खरीदनी है पेश लेके आ रहे हैं लेके निकलते हैं लंबड़दार के मोढ़े तार देने हैं लंबड़दार का मोढ़ा सीधा हो जाए जनाब ये देखो लंबी नालियाँ जनाब लंबड़दार के मोढ़े पर रख के ना जनाब स्कूटर का हैंडल जो है छोड़ देना स्टार्ट करके लंबड़दार सड़क पैंप पहुँच जाएगा सीधा स्कूटर जमे का पक्का है ये जनाब बत्ती हम भूल गए थे उसकी बत्ती पीछे से बहुत खड़क दी जैसे रात को आधी रात को चूहा कुकी को ना वो बिल्ली के आगे भागता था वो बूहे खड़कते तो हमने कहा जनाब ये देखे पैप इधर रख लें और ये जनाब सेल भाई का तरला मारा गया जो हमारी लाइट है इसको खोल के सीधा पदरा कर दे बहुत खड़काते यार बंदा सुता पे स्कूटर पर उठा देती है आराम नहीं करने देते जनाब इसको वल कराते हैं फिर निकल दें जनाब ये देखे खोल रहे हैं इसके पेज जनाब एक पेज पेज जो है वो टूट गया है दोस्तों जनाब पैप लेके मैं और अमीन पहुंच चुके हैं लंबे पैप थे तो वाह मुश्किल जनाब पेश आई है क्योंकि आगे से हवा उनमें बढ़ जाती थी तो बड़े हलते जुलते थे इधर उधर फाद फूद के ऊपर गए हैं जनाब और मिस्त्री ने माशाल्लाह काम छेक पाट दिया है दोनों साइड पर बॉर्डर लगा के अब सेंटर में एक मिस्त्री इधर से लगा हुआ है उधर से इंशाल्लाह काम को बेड़ लेंगे और शाम को इंशाल्लाह इधर जिंदगी रही तो माल पट्टे खा सके इंशाल्लाह तो जनाब इन्हीं दुआओं के साथ कि आप रहे खुश और आबाद हमें भी दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए जनाब अल्लाह के वाले।